Hi friend, welcome to our new video, which is Bangalore, Mysore and Ooty visit. So we visited for around 5 days and 4 nights. So in this video, we will do 3 parts, part 1, part 2, part 3. Part 1 mein I will cover ki Bangalore mein humne 1 day kaise spend kiya, and then part 2 and 3 mein okay humne Mysore mein ek din kaise kiya aur Ooty mein humne 2 din kaise spend kiye, okay. Aur iske sath humne Bombay se flight liya tha, to flight ka booking kaisa karna hai wo bhi main aapke banga, and also for entire this 5 day journey maine car book ki thi to wo bhi kaise book karne wo bhi aapko bataunga. So I will cover all things कि ये पूरा पैकेज आप खुद से कैसे बुक कर सकते हो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वेंडर एंड स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑन दैट, खुद से आप कैसे कर सकते हो. आई विल शेयर यू ऑल इन्फॉर्मेशन. सो अभी हमने बॉम्बे से फ्लाइट ली थी और हम आ गए हैं बैंगलोर. ओके, अराउंड 1.5 घंटे का जर्नी है, 1.5 से 2 घंटे का. एंड यहाँ से एज आई सेड हमने स्विफ्ट डिजायर की थी विच इज़ फॉर द 5 डेज. ओके, मेक श्योर बुक करोगे तो एयरपोर्ट स्टार्ट और एंड भी एयरपोर्ट तक ही आपको करना है. ओके, जहाँ से आप निकलोगे वहाँ से स्टार्ट एंड एंड टू एंड एयरपोर्ट. ओके, सो आई विल शेयर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेंडर ऑल्सो. आप और जगह से इन्फॉर्मेशन निकाले, पैकेज निकाली जहाँ से बैंगलोर को आपको कार मिली, राइट. सो मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन नीचे दे सकता हूँ. तो यहाँ से हमने ये कार पकड़ी है और हमारा जो होटल है तो टूवर्ड्स दैट होटल के अराउंड 1 से 1.5 घंटे के जर्नी पे था. तो ये है हमारा होटल वुडलैंड, वन ऑफ द बेस्ट होटल विच आई बुक फ्रॉम ऑनलाइन. ओके, ऑनलाइन का भी लिंक भी दे दूंगा, आप ये ऑनलाइन से बुक कर सकते हो. और सिमिलर कोई भी 3 स्टार होटल आप बुक कर सकते हो बैंगलोर. और ये है होटल का रूम. रूम इज नीट एंड क्लीन क्लास. विद दैट उनका रेस्टोरेंट भी है, आपको आपका ब्रेकफास्ट उसमें फ्री होगा. सो ऑसम साउथ इंडियन फूड, आई रियली डेफिनेटली यू कैन एन्जॉय विद दैट. मैं सजेस्ट करूँगा वहाँ से हमने 3 स्पॉट किए थे. एक MG रोड जो आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसके साथ ही हमने इस्कॉन टेम्पल किया था और एक कब्बन गार्डन. ये 3 स्पॉट 1 डे के अंदर हमारे कवर हो गए थे. ओके, बिकॉज उससे भी और ज़्यादा है और यहाँ गार्डन्स है, बट मैसूर ऊटी में वो कवर हो सकते हैं, इसलिए मैंने बाकी फोकस मेरे रखा. सो आई सॉट पहले MG रोड इज इक्विवेलेंट अपने बॉम्बे में, जैसे सिटी में कुछ मॉल्स होते हैं. ओके, तो वैसे मॉल्स लाइक आप यहाँ स्पेंड कर सकते हो. प्लस अगर आपको लोकल कुछ शॉपिंग करनी है, ओके, तो लोकल शॉपिंग लाइक दिस इन दिस वीडियो आप लोकल शॉपिंग भी यहाँ कर सकते हो. सो ये है MG रोड विच इज़ वन ऑफ द आई कैन से फेमस इन द बैंगलोर. एंड ट्रैफिक भी यहाँ ज़्यादा रहता है, सो मेक श्योर ट्रैफिक हमें भी लगी थी आते वक्त इस्कॉन से. सो ट्रैफिक इज द कंसर्न करंटली. ओके, सो यस, एंड यहाँ आपको शॉपिंग करना है, यहाँ आप 1-2 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हो हियर. उसके बाद हम लोग गए थे इस्कॉन. सो बॉम्बे में भी इस्कॉन है, वैसे ही बैंगलोर में है इस्कॉन. इस्कॉन ये और थोड़ा बड़ा है, आल से 1, 2, 3 फ्लोर तो ऐसे हाइट होगी उसकी वो हिसाब से. और जैसे ही आप जाते हो, एंटर करते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना पड़ता है. बट मंदिर इज रियली ऑसम. इतना खर्चा किया रहेगा, आप अगर देखोगे मंदिर की कलाकृति, ऑल टेम्पल्स, उसके डोम, आहा, इट्स रियली यूनिक टेम्पल. बैंगलोर का भी, बैंगलोर में एक यूनिक टेम्पल मैं बोल सकता हूँ. ओके, बैंगलोर में जाना है तो इस्कॉन टेम्पल इज मस्ट. ओके, सो याद रखना आपके लिस्ट में इस्कॉन टेम्पल होना ही चाहिए. MG रोड तो अब लोकल बॉम्बे में भी है तो सिमिलर है, बट इस्कॉन तो होना चाहिए. और कब्बन गार्डन, आई विल टेक यू द कब्बन गार्डन. ओके, उसके सामने और 2-3 स्पॉट है, सो विल डिस्कस दैट ऑल्सो. सो ये है इस्कॉन टेम्पल. जैसे आप एंट्री मारते हो, सी एवरीथिंग इज लाइक गोल्डन. हाँ, राधा कृष्ण की आप जब ये मूर्ति देखोगे, मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा. ऐसा जैसे आप अंदर जाते हो, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आहा, वो. सो और ये आल मुझे बताना है, ये सब हमने टूर किया था लॉकडाउन के पहले का. ओके, तो अभी कुछ लिमिटेशन आ सकते हैं, पर तभी कुछ लिमिटेशन नहीं थे, एवरीथिंग वॉज कूल, राइट. दूसरा मैं बोलूँगा, जब भी आप जाओगे तो एक अंदर कुछ अभिषेक के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो वो ज़रूर निकालना. बिकॉज जब अगर आप वो निकालोगे तो क्या होगा, जैसे आप जहाँ मंदिर देख रहे हो उसके सामने ही
आपको एक लाइन में बिठाया जाता है, एक अलग सी एंट्री होती है आपको। राइट साइड से जो ब्लू बोर्ड दिख रहा है वहाँ से राइट साइड से एक एंट्री होती है, आपको वहाँ बिठाया जाता है और आपको अभिषेक, वो पंडित जो है वो अभिषेक करवाते हैं, एक छोटी सी आरती होती है वो भी करवाते हैं, और जितने लोग हैं वो अभिषेक के लिए बैठे हैं उनको नीचे बिठाया जाता है सामने ही, और नज़दीक आपके सामने ये मूर्ति है राधा कृष्ण की। तो लाइक दिस, ऐसे वो जो तीन चार लोग खड़े हैं वहाँ ही आपको नीचे बिठाया जाता है और पूजा करवाई जाती है। दैट इज रियली पैसा वसूल, कि भगवान को सामने से देख के वो एक देनगी हम देते हैं, बट रियली यू फील रियली एंजॉय एंड पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से आप लेकर जा सकते हो। इसके साथ ही यहाँ से निश्चित मंदिर प्रसादी भी आप लेकर ले सकते हो, और यहाँ कुछ बुक्स खरीद कर वो भी कर सकते हो, और यहाँ का प्रसाद लेना ना भूलिए, जैसे बाहर पढ़ते हो आपको प्रसाद मिल सकता है। विद डैट कब्बन गार्डन, शाम को अराउंड 3 to 4 के बाद में आप कब्बन गार्डन आ सकते हो, 2 to 3 घंटा आप आराम से स्पेंड कर सकते हो यहाँ। ओके, अगर फैमिली के साथ आ सकते हो तो बाहर जैसे चौपाटी में जैसे कुछ ये होते हैं ना पानी पुरी ऑल दैट, वो सब आपको बाहर मिलेंगे। अंदर जैसे जाओगे देयर आर डिफरेंट फ्लावर्स, ओपन गार्डन्स, बच्चों के लिए खेलने की बहुत सारी जगह है। सो वी आर नॉट एक्सप्लोर मोर दैट बिकॉज सिमिलर जैसे गार्डन है तो हमने बाहर अंदर राउंड्स मारे हैं, कुछ प्ले पे बच्चों के साथ कुछ प्ले किया है, एंड बाहर आके फिर पानी पूरी एंड ऑल दैट चैट वी एंजॉय। और उसके ही बाजू में दो चीज़ें हैं, एक है मुंबई हाई कोर्ट, सॉरी एक है बैंगलोर हाई कोर्ट और दूसरा है विधान सौदा। ओके, ये बैंगलोर हाई कोर्ट की आप इमेज देख सकते हो, यहाँ भी हम गए थे स्पेशल, यहाँ खड़े होके हमने फोटो भी निकाला है। ओके, इसके बाजू में जैसे मे बी लग के ही है, ओके नेक्स्ट टू कब्बन गार्डन, ये उसके बाजू में ही है। यू कैन सी डिफरेंट बिल्डिंग, कलर बिल्डिंग, यू कैन सी द फोटो, सीमा इज हियर, सिद्धि इज हियर, और उसके सामने ही है विधानसभा, जैसे अपने महाराष्ट्र में जो विधानसभा होते वैसा ही है, और यहाँ एक महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू भी है। सो ये था बैंगलोर, मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक लाइक एंड